Hello guys, good morning to all of you. This is Meghiraj here and now we are going to get discuss about the spherical mirrors and also the ray diagram and image formation by the spherical mirror. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गोली दर्पणों द्वारा उनके किरण आरेख क्या होते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं. तो चलिए देखते हैं किरण आरेख, रे डायग्राम. अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर. तो देखिएगा ये इनकी चार कंडीशन है. जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है. इन फाइनली रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द कॉनकेव मिरर पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस दैट इट पासेस फ्रॉम फोकल पॉइंट आफ्टर reflection or if it is passes from focal point then after reflection it will be parallel. यानी समांतर आती है, parallel आती है तो focal point से pass होगी, focus बिंदु से pass होगी और अगर focal point से pass हो रही है, focus बिंदु से गुजर रही है तो परावर्तन यानी reflection के बाद parallel हो जाएगी, समांतर हो जाएगी. दूसरी, अगर वो center curvature वाले point से पास हो रहे हैं तो उसी पाथ पर कम बैक कर जाती है, यानी वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है. ओके, और अगर पोल से पास हो रही है तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. ठीक है, तो इसी तरीके से कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं. इतनी कंडीशन कॉन्वेक्स की भी होंगी, पी एफ सी ठीक है. तो जब पैरेलल ऐसे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट पर फील करेगी मीट करते हुए, यानी मिलती हुई प्रतीत होगी, या फोकल पॉइंट पर आती हुई प्रतीत हो फील करें तो ये पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद. यानी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और उत्तल दर्पण पर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फोकस बिंदु पर मिलती हुई आपतित होती हुई प्रतीत हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है. इफ एनी रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस देन इट फील्स टू मीट एट एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इफ एनी रे ऑफ लाइट फील्स टू फॉल्स on focal point then after reflection it will be parallel with principal axis. और देखिएगा next है कि अगर कोई ray of light center of curvature पर आती हुई प्रतीत हो तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है. If any ray of light passes from center of curvature then it will come back on the same path after reflection. And अगर ध्रुव पर आपतित हो पोल पर तो उसी एंगल पर परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो इतने से रे डायग्राम है इनके, और इसी से देखिएगा इमेज फॉर्मेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो ये है इमेज फॉर्मेशन.
प्रतिबिंब का बनना लिखेगा बाई कॉनकेव। तो इसकी कितनी सिचुएशन होगी पहले तो देखिएगा, एफ सी एंड इन्फिनिट। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर हो सकता है, इन्फिनिट और सी के बीच में हो सकता है, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर एंड एफ और पी के बीच, ठीक है ना। तो ये है पी एफ सी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर, एक एक चेक करिएगा देखिएगा, तो पैरेलल चलेगी तो फोकल पॉइंट से मीट करेंगे, यानी इन्फिनिट पर हो पहला है एट इन्फिनिट, तो इमेज होगी प्रतिबिंब पॉइंट इमेज बिंदुवत ऐसा बनेगा, और वो भी कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी इन्फिनिट और सी के बीच में होगा, ये यहां पर है, तो ऐसे और ये सेंटर से जो पास होती थी वो उसी मार्ग पाथ पर वापस ये बन देती है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब यहाँ पर जब तक यहाँ तक नहीं आ जाएंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वाह। अब चेंज होगा कितना, अब ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये होगा रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, वास्तविक है उल्टा, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सी पर आते हैं, ठीक है ना। देखिएगा जब सी पर होगा ऑब्जेक्ट तो उसी के नीचे इमेज बनेगी, और सेम साइज की होती है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, तो यही रहेगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर, सेम साइज, ठीक है। अब हम इससे और आगे जाते हैं, देखिएगा धीरे 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 इमेज क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रतिबिंब का साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो अब आ जाएगा सी और एफ के बीच में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे बनेगा, तो और ज्यादा इमेज बड़ी हो गई, तो वास्तविक है उल्टा है लेकिन वस्तु से बड़ी, ठीक है ना, यानी रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर, बिग साइज बनेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं एफ पर, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ पर आ जाएगा इसकी इमेज इन्फिनिट पर बनना शुरू हो जाएगी, ऐसे ही कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो वास्तविक होगी, उल्टा होगी, बट एट इन्फिनिट कहां पर होगी, अनंत पर, एट इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं, और यहां से भी चेंज होगा इमेज कि ये पी एफ सी यहां पर रखी हो, तो देखिएगा ऐसे पैरेलल वाली फोकल से ही पास होती है और ये वाली रे ऐसे लौट आती है, ये कहीं भी नहीं कट करेगी, देख रहे हैं इधर फैलता जा रहा है, स्ट्रेच होते जा रहा है, तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, फिर ये कहीं इंटरसेप्ट करेगी और जहां पर इंटरसेप्ट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो पहली चीज ये डॉटेड लाइन बढ़ाने पर मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, डायरेक्ट नहीं मिल रही, तो ध्यान रखना अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट मीट करती है तो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रियल, और अगर
ऐसी लाइनें हैं डॉटेड लाइनें, तो वहां पर इमेजिनरी काल्पनिक या आभासी, इमेजिनरी इमेज बनती है। तो यहाँ पर है देखिए सीधा है, तो ये पहली चीज तो आभासी है, सीधा व कई गुना बड़ा, ठीक है ना। इमेजिनरी इलेक्ट एंड लार्जर साइज ये हो जाएगा। तो यही कंडीशन इसकी चेंज है, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं कि बाय कॉनकेव, सॉरी बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स मिरर इसके थ्रू क्या इमेज बनेगी। तो देखिएगा इसमें दो भी सिचुएशन होंगी, पी एफ एंड सी। एक तो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हो, और ऐसा अगर है तो इस तरीके का ये डायग्राम थे। तो ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी व बिंदुवत, डायमेंशन, ठीक है, इमेजिनरी एंड पॉइंट साइज मतलब डायमेंशन, ऐसी इमेज बनेगी। और सेकेंड एक दूसरा बन पाएगा केवल इसमें, कि अगर पी एफ सी इन्फिनिट और पी के बीच कहीं पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये होगा। दूसरा अगर सी पर पास होती जा रही हो तो उसी पर कम बैक कर जाएगी, और पी से अगर पास हो तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो जहाँ पर ये सभी रेज मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो देखिएगा प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, और कैसा है, सीधा है व बहुत छोटा, ठीक है, इमेजिनरी इरेक्ट एंड वेरी वेरी स्मॉलर साइज, ठीक है ना। तो ये है इसके थ्रू इमेज बनना, इमेजिनरी इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज, तो ऐसा इमेज बनेगा। चलिए अब हम जल्दी से इसके यूजेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, सर्च लाइट इनमें होता है, शेविंग दर्पणों में होता है, दंत चिकित्सा में होता है, और सौर भट्टियों में जिसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, हेडलाइट, सर्च लाइट, शेविंग दर्पणों में, सौर भट्टियों में तथा दंत चिकित्सा में किया जाता है। कॉनकेव मिरर यूज इन द हेडलाइट, सर्च लाइट, इन द डेंटिस्ट एंड इन द सोलर सिस्टम, ओके, एंड ऑल्सो इन द शेविंग मिरर्स, ओके, इनके फॉर्म में यूज किया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि उत्तल दर्पणों का उपयोग किसमें किया जाता है, हाउ कैन वी यूज द कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिएगा उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पार्श्व में, साइड में लगाए जाते हैं, जो पीछे के वाहन आते हैं उनको देखने के लिए, ताकि हमें, और पहली चीज तो इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत दूर बहुत ज्यादा होता है, और पीछे से बहुत दूर आती हुई वस्तु का इमेज जो है, प्रतिबिंब है, सीधा बनाती है, इरेक्ट, ठीक है ना, आभासी होता है बट सीधा होता है और बहुत छोटे साइज में बन जाता है। तो देखते हैं कि चाहे मोटरसाइकिल हो, बाइक या कार हो, या कोई भी वाहन है, व्हीकल है, उनके साइड में जो मिरर लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर यूज एज द साइड मिरर इन फॉर द सीन रियर व्यू, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स इमेज फॉर्म। कैसी इमेज बनती है इसके थ्रू, इमेजिनरी इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज, इट्स इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर इज इमेजिनरी स्मॉलर साइज एंड इरेक्ट
तो इस वजह से हम इसके थ्रू जो इमेज देख पाते हैं बहुत इजीली देख पाते हैं, पीछे की कितनी भी बड़ी वस्तु क्यों ना हो आसानी से देख लेते हैं। तो इस वजह से उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पार्श्व में साइड में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द सीइंग ऑफ रियर व्यू एंड यूज्ड एज अ साइड मिरर इन द व्हीकल्स। ओके,